हेलो किसके हालचाल इस बिल्लू को के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आसमान को स्टेडियम में और आप लोगों ने नीचे देखा ऑलमोस्ट 3 टीम्स यहाँ पर उतर चुकी थी। मैं यहाँ पे जाने का सोचा था पर यहाँ ऑलरेडी एक बंदे ने जगह बना ली है मेरे को यहाँ पे थोड़ी। एक स्प्रे में दोनों टीम्स को ले गए मैं यहाँ पर। मेरा टीम इस टाइम पे ऑफलाइन था, मतलब थोड़ी जरूरत है भाई उसी क्योंकि अभी भी यहाँ पर शायद से 2 टीम्स बच रही हैं। आप देखना लेफ्ट से फिट से पाए ये देखो, पर भाई निकल ही लो। गलती से गोली चला दी क्योंकि मेरी हेल्थ काफी कम है सच में और मैं इस टाइम फर्स्ट एड बिल्कुल नहीं लगाना चाह रहा था लेकिन फिर भी मैंने लगाई लिया बिल्कुल। जल्द से जल्द मेरे को हील करना था, बैंडेज का वेट नहीं कर सकता। इतने में ये दोनों टीम्स भिड़ के भाई मेरे किल निकल जाएंगे। देखो लेफ्ट से फुटस्टेप्स आ रहे थे, राइट से फुटस्टेप्स आ रहे थे। अभी मेरे ठीक ऊपर एक टीम है और बिल्कुल लेफ्ट में क्लासरूम की तरफ एक टीम। ये देखो ये बंदा कमरे के अंदर गया, आप लोगों ने देखा ना, तो इसको बाहर निकलना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत लूट करके तो बाहर आ ही जाना चाहिए ना, पर ये आया ही नहीं। मैं सोचा भाई कहाँ गायब हो गया, अंदर से कहीं टेलीपोर्ट हो गया तो नहीं निकल गया या फिर यहीं पर होना चाहिए। क्या ही बंदा था यार, मतलब कोने में जा कैसे छुपा है ये जैसे तो हमको पता नहीं चलेगा। और ये क्या कर रहा होगा तुम्हारे ख्याल से, बैकग्राउंड में व्हाट्सएप चला रहा होगा। वेल जो भी हो, 2-3 टीम्स आई थी ना, 3 किल्स तो मेरे ही हो चुके हैं तो ऊपर एक टीम बची रहेगी। एक टीम ने दूसरी टीम को मारा तो अब ऊपर सिर्फ एक टीम बचनी चाहिए ना, मतलब समझ जाओ बस। ऊपर अब 2 बंदे हैं तो एक बार मैं थोड़े बहुत एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लगा के ऊपर की तरफ आया और फुटस्टेप से मेरे को साफ पता चलता है बिल्कुल टॉप पे टेरिस पे। ये देखो शायद आपको दिख भी गया होगा तभी मैं अंदर की तरफ गया क्योंकि ये लोग नहीं छोड़ते भाई मेरे को अगर मैं बिल्कुल शक्ल दिखाए रखता। देखो जस्ट 1 सेकंड में कहाँ हेल्प पहुँचा दी है और देख रहे हो ये बंदा तो वहां भी पहुंच चुका था जहां पे मैंने एक बंदे की पेटी बनाई थी। मतलब ट्राई तो करते मेरे को ढूंढने का पर मैं पतली गली तुम्हें पता ही है मैं भागने में एक्सपर्ट हूं तो मैं चुपके से इस तरफ आ जाता हूं। और अब मेरे को समय देना पड़ेगा भाई बैंडेजेस को। ये 5 बैंडेजेस मैंने लपेटी, क्या बताते ना बोरिंग लगता है लगाना, पर टेंशन और तुम्हें ज्यादा देर नहीं दिखेगा, तुम्हारे लिए मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सब कुछ। मैं देखो अभी इस तरफ आ चुका था, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर टीवी पे ले जाए बिकॉज जितना हो सकता है बंदे पीछे से गाड़ी लेने जाएंगे। अब वो मेरी किस्मत खराब हुई अगर वो आगे की तरफ से गाड़ी लेने चलेगी, लेकिन तुम्हें पता है मेरे से भी ज्यादा रहा नहीं जाता। मैंने सोचा हेल्थ मेरी ठीक ठाक हो गई है मैं रस कर सकता हूँ, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी निकली। यहाँ पर अभी भी भाई सब 2 टीम्स लड़ रही हैं, मैं बिल्कुल सही था। बहुत ही ग्रेट साहिल, लेकिन शिट मैन अब मुश्किल भाई, भागना पड़ेगा, मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। देखने से क्या ही चकमा दिया मैंने, बिल्कुल ही इल्यूजन में डाल दिया। मुझे पता है वो पीछे से आएगा इसलिए मैं फटाक से इस तरफ अपना रास्ता बदल लेता हूँ। देखना ये देखो, देखा पता था मुझे क्योंकि अक्सर बंदे ना ऐसे निकल के सीढ़ियों में ही जाते हैं तो उस बंदे को लगा मैं सीढ़ियों में जाऊंगा तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ था मेरे को पकड़ने का, लेकिन उसे पता नहीं था अपने को एक्सपीरियंस है तो मैं जानबूझ के इस तरफ निकल गया और कहीं उल्लू बना इस बंदे को। वेल जो भी हो, 6 किल्स मेरे हो चुके थे, मैंने बताया था ना 3 टीम्स उतरी थी 3-4 और सबके किल्स एक तरह से मैं ही ले गया भाई, बहुत ही ऑसम। अब मेरा टीममेट भी देखो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन आ चुका था और गाड़ी में बैठ जाता मैं बस निकलने वाला था कहीं और, लेकिन यहाँ अपार्टमेंट की तरफ देखो स्मोक हो रखा है, टोम्बी चल रही है यहाँ पे तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास एसटूल के नहीं है और ये 1 AK कुछ भी नहीं है लिटरली टोम्बी के सामने। अब देखना सुनना गौर से, ऊपर से भी कोई ना कोई बंदा ग्रेनेड टॉस करता है पर भाई क्या तेरे को मेरे ग्रेनेड टॉस करने की आवाज नहीं है, दिख भी रहा क्या बंदा था यार, दिख भी जाना चाहिए कि हाँ उसके हाथ में ग्रेनेड है, उसके बाद भी फेंके जा रहा है। बड़ी आसानी से बंदा मारा जाता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस तरह ग्रेनेड टॉस करा तो मेरे को डर नहीं था क्योंकि मेरे को आवाज़ आ गई थी हाँ बंदे ने अभी टॉस करा और बस उसे 2-3 सेकंड हुई थी टॉस करते हुए, लेकिन इसको मेरा नहीं पता था। अब पता होता तो अगर उसे पता होता कि मैंने इतनी सेकंड्स तक उसको टॉस कर रखा है तो पक्का हट जाता। वेल जो भी आपको साइड से भी गन शॉट्स की वजह चुकी है ना, पर मुझे क्या यहाँ पे मुझे कुछ किल्स नहीं मिलते भाई, मेरा टीम ऑलमोस्ट 2-2 टीम्स लपेट जाता है। यहाँ पे गाड़ी लेकर देखो मैं अब थोड़ा जंकयार्ड के पास आया, आई मीन सिंपली जोन की तरफ ही जाना था, ड्रॉप आ रखा था यहाँ पे, मैं ड्रॉप की तरफ गया बट लेफ्ट साइड वाले घर पे देखो। अब तो क्या ही देखना, जिन्होंने नहीं देखा वो बस समझ ही जाओ। ऊपर की तरफ एक बंदा होता और फुटस्टेप देखो सिर्फ एक बंदे के आ रहे हैं ना, एक बंदे के, तो मैं भी देखो भोला भाला इंसान तो सीधे अंदर घुस जाएगा, लेकिन अपन ठहरे थोड़े एक्सपीरियंस बंदे, मेरे को पता है कि किस तरह से कोने में छुपे रहते हैं तो मैं एकदम समझ जाता। पहले मैंने ग्रेनेड ही फेंक दिया और अब जाके दूसरा बंदा प्रकट हुआ है और देख रहे हो ग्रेनेड्स कितनी ज्यादा मदद कर देते हैं एक तरह से टीम को, यू नो आदत तोड़ने में। देखा मतलब इस ग्रेनेड से अगर मैं सीधा घुस जाता तो भले ही एस्टल की थी मेरे पास बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये ग्रेनेड ने अगर स्मार्टली फेंका जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं अब गाड़ी लेकर वापस से निकल चुका था जोन की तरफ, है ना, जोन तो अपना साथ देता नहीं है, हमें खिसकना पड़ता है, तो मैं सेंट्रल रोड में, एग्जैक्टली सेंट्रल रोड में, रेड जोन में नहीं। और यहाँ देखो सामने मुझे एक बंदा भी दिखता है,
देखो बिल्कुल मेरे राइट में, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसके आउटफिट का कलर ना ग्राउंड से काफी तक मैच हो रहा है, ये देखो है ना। ओह डैम इट, मेरे टीममेट पास आरपीजी थी, वो भी बस प्रोटेक्शन के लिए कि कोई आरपीजी या फिर एसएलके के वाला बंदा आ जाए तो हमें सबक सिखा सकें। इसे मैं M4 से भी इजीली मार सकता था लेकिन मेरी हेल्थ का फील होती, मैंने सोचा कौन फर्स्ट लगा इसी तक खत्म करके आगे बढ़ते हैं यार। मैं पे क्रिएट लूटता हूँ, AWM थी तो अब पिघलना पड़ेगा भाई, पिघलना पड़ेगा। एसएलके के फेंकी मैंने फटाक से AWM उठाई और यहाँ पर इंस्टेंटली कर्मा हिट कर जाता भाई। हम आरपीजी चला रहे हैं और हम खुद ही आरपीजी से पिट जाते हैं तो हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, टीममेट कहीं जाता मैं कहीं, जिससे कि अगर आसपास रहे तो तुम्हें पता है आरपीजी कितनी तगड़ी कनेक्ट हो जाती है भाई, और हमारे तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। अब कहीं सामने की तरफ से चली थी, देखो जस्ट वहाँ पे एक ड्रॉप भी आया है, मैं एक बार ओपन करता हूँ उस घर की तरफ, एग्जैक्टली बंदे है किस तरफ, अभी तो कोई दिख नहीं रहा तो मैं पहले यार टीममेट मत चला आरपीजी, क्या पता वो भी हम पे रहम खा जाए। अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल टॉप पे जाता हूँ क्योंकि ऊपर से अच्छा एंगल मिलता है भाई, स्नाइपर है तो ग्राउंड लेवल पे चलाने में कोई फायदा है नहीं, बिल्कुल हाइट पे, जितनी हाइट तुम्हें मिल सके उतनी हाइट लो। खैर वहां से मेरे को ज्यादा अच्छी हाइट मिलती बट वहां से पेड़ अड़ जाते यार, यहां से एंगल अच्छा मिल जाएगा। ही बिल्कुल जैसे मैंने स्कोपिन करा ना तभी वो शूट करने वाला था लेकिन मैंने शूट कर दिया, आरपीजी को आने में उसके जो गोला है उसको आने में टाइम लगता है यार। और AWM में इंस्टेंट सिस्टम है भाई, जैसे क्लिक करा तभी के तभी गोली पहुंची गई और बंदा खत्म, जैसे यहां पर। और मित्रों कल है किचन डिनर, AWM भाई एक बार छप गई तो बस छप ही गई, वो टाइम नहीं लगा थी। जो भी हो ये वाला मैच में देखो मैं आधा फैक्ट्री में और मेरे साथ भी नीचे की तरफ कुछ टीम्स उतरी हैं, क्या करोगे देख के, अभी तुम्हें दिखना चाहिए कितने किल्स हुए मेरे। ये देखो पीला फुट वाला बंदा नीचे उतर चुका था और मैं नीचे गया तो मुझे पता है उसको गन वगैरह मिल जाएगी, बैंड बच जाएगा तो ये शॉर्ट गन से खुश हो जाते हैं। अब मैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर गया शॉर्टकट लेके, वहां से जाता तो मैं पता है सीढ़ियां बड़ी ही कंजस्टेड थी है, जाया नहीं जाता। हेडशॉट लगा है बे, अभी ये टीम ऑलमोस्ट खत्म है, कहा था ना मैंने, ये देखो इस टीम के खत्म होने के सेलिब्रेशन में वहां पे फ्लेयर भी चल चुकी है। अब फटाक से मैंने एक और सेकेंडरी वेपन उठाया यहां से, बस क्रॉस भी उठा लिया तो मैं पता मैं ज्यादा इंतजार नहीं करता, बस एक शॉट गन मिल चुकी है, आगे और बंदों को मार के वेपन्स ले लेंगे। अब मैं आज की करके सिंपल निकल रहा था पर मेरा टीममेट कुछ बोलता है, वो गौर से सुनना। टीममेट ने बोला भाई कैंप पर, अब मैं भी तुम्हारी तरह टीममेट की बात को ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूं, मैंने सोचा होगा भाई ऐसे कोई बोट लगा तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं थोड़ा सा अलर्ट था, देख रहा अगर अलर्ट होता तो मैं ऐसे लूटता नहीं भाई, मैं कहीं ना कहीं कवर में निकल जाता। अब मैं बस फुटस्टेप सुनना चाह रहा था कि भाई ओके ओके यहां से कैसे बॉट फायर दे रहे नूब, अबे छी भाई छी यार क्यों खेल रहे हो तुम, अगर छुपना ही है तो ऐसा करो गेम स्टार्ट करो और बैठ जाओ एक जगह बस। और यहां पर मैं मरने के काम कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने भावनाओं को कंट्रोल में करा, जज्बातों को, कि थोड़ी देर लैपटॉप लगा लेते हैं उसके बाद इस बंदे को मस्त एसएल से मारें क्योंकि ये इस लायक है नहीं कि बड़ी मेहनत के साथ इसको क्रॉसबो से मारा जाए, ना 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 एसएल उठाते हैं इजिली। इस बंदे को मैंने खत्म करा, चार किल्स ऊपर हो चुके थे तो एक तरह से देखा तो बड़ा ही कमाल का स्टार्ट गेम को मिल चुका था। अभी भी सामने M16 चल रही है पर वो लिटरली एक बोट है असली में, मैं देखो थोड़ा बहुत हील वगैरह कर चुका था। और यहाँ भी बंदे हैं देखो, दरवाजे वगैरह खुले पड़े हैं लेकिन यहाँ प्रोन होकर मुझे कुछ दिखता नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना सीधा भाग किसी घर पर निकलते हैं ना। और मैं बहुत गंदे वाला फंस चुका हूँ, नहीं 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 टीममेट ने बिल्कुल सही टाइम पे कवर फायर दी, वेल जो भी हो एक दो गोली खाई मैंने छोड़ा था। कुछ देर बाद देखना मेरे को रिवाइव वगैरह तो मिल चुका था लेकिन वो जो बंदा है जिसको नॉक करा था मेरे टीममेट ने वो अभी तो फिनिश नहीं हुआ था और हम सोच रहे थे कि वो कहाँ भाग गया भाई, मतलब रेंग तो इतना दूर तो नहीं जा सकता वो, लेकिन हमें कहीं नहीं दिख रहा था ना इस वाले घर पे और ना ही आसपास कहीं ओपन में। ओके ग्रेट, मैंने भी उसको बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया है, एक सेकंड नोट टिक जाता ना वो बिल्कुल ऐसे ही तो मैं उसको पक्का नॉक कर देता, पूरी टीम ही खत्म हो जा रही थी ना उसके बाद तो। अब मैंने ग्रेनेड फेंका वहाँ पे और ये मेरे सबसे बिल्कुल परफेक्ट था, मजाक कर रहा हूँ, मेरे को डाउट था थोड़ा बहुत क्योंकि यार देखो PUBG वाले पॉइंटर भी नहीं आता, थोड़ा सा दूर फेंकोगे ना तो भी पॉइंटर आता नहीं है कि हाँ ग्रेनेड तुम्हारा कहाँ जाके गिरेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई की एस्टिमेशन कुछ ज़्यादा तगड़ी दिख रही। गाड़ी लेकर मैं सेंट्रल रोड के पास आया और यहाँ देखना बहुत ही तगड़ा महासंगम होने वाला है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम देखना, आज से पहले तुमने एक जगह PUBG में इतनी गाड़ियां नहीं देखी होंगी, देखना बस तुम, मैं अब जैसे मुड़ूंगा ये देखो 6 गाड़ी हो गई भाई टोटल, व्हाट द हैक, 5 पहले से ही थी, मजा आ गया यार। मेरे को बस मन कर रहा था कि पहले इन बंदों को मार लें उसके बाद एक गाड़ी की फोटो क्लिक करेंगे मस्सी। शिट हो गया भाई यहाँ पे, ये देखो इसके पास आरपीजी होती है और बाहर से इसका एक टीममेट भी आता है,
लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन ये वाला ग्रेनेड कुछ ज्यादा तगड़ा होने वाला है। ओ भाई बहुत ही। और अब मुझे इन पे शक हुआ क्योंकि यार हम ही लड़ रहे थे और कोई देखा कोई गोली नहीं चला रहा था, बस ये टीम और हम लोग लड़ रहे थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों ने भाई टीम अप वगैरह कर रखा था। जो भी यार नहीं कर दे किचन डेने, होप से तुम्हें आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। जरा सा भी मजा आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कर देना इस वीडियो को। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ, बाय बाय।